नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में विकास सर में। दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के कुछ ट्रिक्स को बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ट्रांसलेशन में एक प्रॉब्लम अक्सर आता है, अक्सर सुनने को मिलता है। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये दोस्तों मैंने लिखा पोजिशन। क्या लिखा? पोजिशन। और आप जानते हैं वाली बात, इस पोजिशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो दोस्तों सेंटेंस में कभी कभी पोजिशन का बोर्ड जब कराना रहता है तो मैं देखता हूँ कि लोग चूक जाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग, छोटी चीज है और अभी हम लोग कोशिश करेंगे और इसको अभी सीख जाएंगे। तो आइए हम और आप मिलकर के और सीखते हैं कि पोजिशन होता क्या और इसको कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। दोस्तों जैसे स्टेटमेंट हमारा इस प्रकार से आता है, राम का भाई, मोहन का घर, सीता का गांव। तो इस टाइप के स्टेटमेंट में हम आप देखते हैं काके की जो आता है, क्या आता है दोस्तों? काके की। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में काके की जो अगर आ जाएगा तो उसमें उस स्थिति में हम पोजिशन का बोध कैसे कराएंगे। दोस्तों बड़ा सिंपल चीज है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। जैसे यहां पर राम का भाई आया तो दोस्तों पोजिशन का बोध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टू शो द पोजिशन। पोजिशन का बोध कराने के लिए एट फर्स्ट, सबसे पहले वी शुड सर्च पॉजिटिव नाउन। दोस्तों पोजिशन का बोध कराने के लिए सबसे पहले हमको पॉजिटिव नाउन को खोजना पड़ता है। फिर एक सवाल उठता है कि पॉजिटिव नाउन क्या है? दोस्तों पॉजिटिव नाउन वो नाउन होता है जो पॉजिशन का बोध कराता है। पॉजिटिव नाउन का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला नाउन, वैसा नाउन जो पॉजिशन का बोध कराता है। जैसे हमारा स्टेटमेंट है राम का भाई, तो आप समझो यहाँ पर पॉजिटिव नाउन कौन है? राम है कि भाई है? भाई नहीं, चूंकि भाई पर राम का अधिकार है, इसे दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव नाउन होगा वो कौन सा हो जाएगा? राम हो जाएगा, राम पॉजिटिव नाउन है। तो हमने बोला कि इस काके की को रिप्रेजेंट कराने के लिए स्टेटमेंट में, यानी कि जो पोजिशन का बोध होता है, पोजिशन का बोध कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? पोजिशन नाउन। तो हमने ढूंढ लिया पोजिशन नाउन, तो वह ढूंढ ली। तो जब पोजिशन नाउन ढूंढ ली तो क्या करें? तो क्या करना है? अब आप पोजिशन नाउन को देखिए। क्या देखें? तो आपको पोजिशन नाउन को यह देखना है कि आपका पोजिशन नाउन जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। आप लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि आपका पोजिशन नाउन क्या है, बोलिए, लिविंग या नॉन लिविंग। अगर आपका पोजिशन नाउन लिविंग है तो उसके पोजिशन की बोध कराने के दो प्रोसेस है, टू प्रोसेस है। एक या तो आप ऑफ लगा दो, या दूसरा आप दोस्तों उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा दो। क्या लगा दो? अपोस्ट्रोफ एस। और नॉन लिविंग है तो सिर्फ क्या लगा दो? ऑफ। इसी फॉर्मूला के आधार पर ओके हम लोग किसी भी सेंटेंस में काकी की यानी कि पोजिशन का बोध कराएंगे। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं सेंटेंस का। मैंने लिखा यहां पर, जैसे यहां पर मैंने लिखा था राम का भाई। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर पोजिशन नाउन को देखेंगे, वो क्या है दोस्तों? राम। तो आप बता दो लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो राम जीव है, इसलिए ये क्या होगा? लिविंग। इसका मतलब इसकी पोजिशन का बोध दोस्तों कितने तरीका से कराएंगे? दो तरीका से। आप इसमें ऑफ लगा सकते हो, फिर स्टॉपी लगा सकते हो। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पोजिशन का बोध कराते हैं। या तो आप इसको लिखो राम्स ब्रदर, और फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो दोस्तों द ब्रदर ऑफ राम। दोनों में से किसी भी प्रोसेस का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव नाउन नॉन लिविंग हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई टर्म हमारे पास आया दोस्तों, बिहार की राजधानी। अब हमें बता दो यहां पर पॉजिटिव नाउन कौन है? तो बिहार है। अब बता दो लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो स्वाभाविकली बिहार क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। तो इसके पोजिशन का बोध, जब पोजिशन का बोध कराना पड़ेगा तो कितना प्रोसेस है? एक प्रोसेस से। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से? बिहार कैपिटल, तो ये हो जाएगा गलत। आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? कैपिटल ऑफ बिहार। तो इस तरीका से हम सेंटेंस में, अगर हमें काकी की याद, हमारे सामने काकी की याद है, यानी हमें अगर पोजिशन का बोध कराना हो तो इसी प्रोसेस से सेंटेंस में किसका बोध कराएंगे? पोजिशन का बोध कराएंगे। इसे एक दो सेंटेंस देखिए, अब जरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस छोटा सा है, मोहन का भाई नेता है। दोस्तों यहां पर पॉजिटिव नाउन कौन है? मोहन। ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग है। तो भाई कितना तरीका का यूज करेंगे? देखिए दो तरीका का, ऑफ और अपोस्ट्रोफ एस। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आप, या हम इसको लिख सकते हैं मोहन ब्रदर। अच्छा फिर घर में ही है तो इस, और नेता है तो अलीगढ़। या फिर दूसरा प्रोसेस दोस्तों, द ब्रदर ऑफ मोहन इज अ लीडर, यहां पर आ जाएगा फुल स्टॉप।
और आप किसी भी प्रोसेस से सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही सेंटेंस हमारा आ गया, मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस आ गया कि बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, ठीक है, तो यहां पर किसके पोजीशन का बोध कराना होगा दोस्तों, बिहार की। तो बोलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, तो बिहार के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर दोस्तों बिहार कैपिटल इज पटना। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत हो गया। आप बोलिए क्यों गलत हो गया, तो बिहार लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, तो बिहार एक लिविंग है, तो लिविंग के केस में हम किस स्थिति से पोजीशन का बोध कराते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते नॉन लिविंग के केस में दोस्तों, क्योंकि बिहार नॉन लिविंग है, इसलिए आपको और हमको इसको सुधारना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, यहां पर देंगे फुल स्टॉप और अब जाके हमारा सेंटेंस हो गया सही। लेकिन दोस्तों अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है भाई। अब क्या बाकी है, एक्सेप्शन। अक्सर आपको सुनने में आता होगा एक्सेप्शन, ये इस नियम का अपवाद है, ये इस नियम का अपवाद है, तो आप सोचते होंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो दोस्तों एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई वर्ड अगर किसी रूल को फॉलो नहीं, नॉर्मल जो रूल उस वर्ड पे अप्लाई होता है उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे उसका एक्सेप्शन कहा जाता है। तो फिर हम उसी एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे और देखिए कि क्या है इस रूल का एक्सेप्शन, इस पोजिशन वाले रूल का एक्सेप्शन क्या है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, ये देखिए मैंने क्या लिखा, डायनेमिक थिंग्स, क्या लिखा मैंने दोस्तों, डायनेमिक थिंग्स। अच्छा फिर आप बोलेंगे कि डायनेमिक थिंग्स का मतलब क्या होगा, तो डायनेमिक थिंग का मतलब हो गया दोस्तों गतिशील वस्तु। क्या हो गया, गतिशील वस्तु। गतिशील वस्तु मतलब जिस वस्तु में क्या होता है, गति होता है। तो हमने बोला आपको कि अगर नॉन लिविंग आ जाए तो नॉन लिविंग के किस में आप, केस में आप कैसे पोजिशन का बोध कराओगे, ऑफ लगा करके। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि इस रूल का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू द रूल हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, एक्सेप्शन टू द रूल दोस्तों, एक्सेप्शन कुछ ऐसा है कि डायनेमिक थिंग्स के केस में हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, इट्स नॉट डिपेंडेंट। तो एक्सेप्शन है हमारा इन द केस ऑफ दोस्तों डायनेमिक थिंग्स, ओके दोस्तों, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी, हम किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, एपोस्ट्रोफी का, आवर नाउन, सॉरी नाउन मे बी लिविंग और दोस्तों नॉन लिविंग, हमारा नाउन लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। डायनेमिक थिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं गतिशील वस्तु में। जैसे टाइम होता है ना दोस्तों, टाइम क्या होता है, ये गतिशील होता है, इसलिए इसको डायनेमिक माना गया है, यानी कि टाइम के केस में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छोटा सा सेंटेंस, एक सेंटेंस आ गया, एक सप्ताह की छुट्टी। अच्छा आप बताओ, एक सप्ताह तो लिविंग टर्म है, तो आप इसको लिखेंगे ए बिग्स वैकेशन, तो आपको लगेगा कि नॉन लिविंग में तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यहां पर करेंगे, यहां पर दोस्तों इसलिए करेंगे क्योंकि एक वीक जो हो गया, एक सप्ताह की छुट्टी, एक वीक क्या होता है, एक वीक समय को रिप्रेजेंट करता है और समय क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक के केस में, डायनेमिक थिंग के केस में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं और हम इसको दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं, द वैकेशन ऑफ अ वीक। तो दोस्तों आज हमने पोजीशन के रूल पर चर्चा किया, एक बार फिर मैं मोटा मोटी तौर पर इसके बारे में बता देता हूं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यहां पर हम नाउन नाउन के बीच की पोजीशन की बात कर रहे हैं, दो नाउन के बीच में जब काके किया जाता है तो वो अधिकार का बोध कराता है, इसलिए पोजीशन का बोध हमको वहां कराना पड़ता है। जब हम पोजीशन का बोध कराते हैं तो पोजीशन का बोध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें पॉजिटिव नाउन को ढूंढना पड़ता है। पॉजिटिव नाउन कहने का मतलब वो नाउन जो कि पोजीशन का बोध कराता है। जब हम पॉजिटिव नाउन को ढूंढ लेते हैं तो हम उसे देखते हैं कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अगर हमारा पॉजिटिव नाउन लिविंग है तो पोजिशन के बोध कराने के दो प्रोसेस हैं, हम दो में से किसी भी प्रोसेस का यूज करके पोजिशन का बोध करा सकते हैं, या तो ऑफ वाला प्रोसेस है या फिर एपोस्ट्रोफी वाला प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारा पोजिशन नॉन लिविंग है दोस्तों, तो सिर्फ एक तरीका का प्रयोग करते हैं, कौन है, ऑफ। नॉन लिविंग के केस में ऑफ वाले तरीके का प्रयोग करते हैं, परंतु एक एक्सेप्शन इस नियम का, एक्सेप्शन ये है कि अगर डायनेमिक थिंग आ जाए, डायनेमिक थिंग आने का मतलब जैसे टाइम हो गया या फिर कोई दूसरा चीज आ गया, जैसे कोई दूसरा टर्म हमारे पास दोस्तों आ गया अगर वो डायनेमिक है, तो वैसी स्थिति में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया ट्रेन का आगमन, क्या है दोस्तों, ट्रेन का आगमन। आप बोलोगे ट्रेन नॉन लिविंग है, तो ट्रेन नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि आप यहां पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करो, रूल बताता है कि करो,
इसलिए करो क्योंकि ट्रेन जो है वो क्या माना जाता है, डायनेमिक माना जाता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ ट्रेन। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रोसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि डायनेमिक थिंग है यानी कि ये एक्सेप्शन के रूप में आ जाता है, तो हम यहाँ पर स्टॉपिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप पोजीशन के रूल को समझ चुके हैं, आप इसको देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से स्टेटमेंट आए उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए टेक्निक्स, कुछ नए ट्रिक्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक विकास कुमार को दीजिए इजाजत, और इसको देखिए आप, समझते रहिए।